मेहपुर से फ्लौथ तक कोशी नदी पर बन रहे बहुप्रत्यक्ष 30 किलोमीटर एनएच 106 मिसिंग लिंक पुल का एक 124 नंबर पाया शनिवार की दोपहर हरियों के त्रिमुहान घाट के समीप कोसी नदी के तेज बहाव में बह गया। कोसी की मुख्य धारा में चार पाया है, जिसमें से एक पाया तेज बहाव की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि कोसी नदी पर बन रहे करीब 7 किलोमीटर लंबे फोर लेन पुल का निर्माण मुंबई की एफकॉन कंपनी करा रही है, जिसका टोल प्लाजा 6 लेन और सड़क 2 लेन का होगा। वहीं इसको लेकर एफकॉन के प्रोजेक्ट मैनेजर बीके झा, डीजीएम अरविंद कुमार, सीनियर टेक्निकल मैनेजर शैलेश तिवारी एवं एजीएम रंजीत कुमार ने बताया कि जो पाया पानी में बह गया है उसका वजन 1400 टन था, जबकि पाया का ब्यास 8.5 मीटर था। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि इस पाया के बह जाने से कंपनी को 2,27,00,000 रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि कोशी की मुख्य धारा में पड़ने वाले 4 पाया में से 3 पाया का काम पूरा हो चुका है, लेकिन 124 नंबर पाया के नीचे कंक्रीट आ जाने के कारण काम पूरा नहीं हो सका था। और जब 1 जून को गोताखोर को बुलाकर इसका पता लगाया गया तो पता चला कि पिलर के नीचे बंडल में बिजली का पोल था और शनिवार को कोसी के तेज बहाव के कारण नीचे से मिट्टी खिसक गई और ये पाया बह गया। बता दें कि पुल और सड़क का निर्माण 996 करोड़ की लागत से हो रहा है, जिसमें 41 पुलिया का निर्माण हो रहा है और पुल निर्माण का कार्य 7 मार्च से शुरू हुआ था, जिसे 6 जून 2024 को पूरा होने का लक्ष्य तय किया गया है। इधर अधिकारियों के अनुसार मिसिंग लिंक में कुल 141 पाया बनाया जाना है, जिसमें से मधेपुरा के फ्लौथ में 22 पाया, जबकि भागलपुर जिले में भी 22 पाया पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में फरियाद लेकर जाने वाले 5 फरियादियों को भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से रविवार को बस से पटना के लिए रवाना किया गया। बता दें कि प्रत्येक सोमवार को पटना में होने वाले मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा फरियादियों को चिन्हित किया जाता है और उनकी कोरोना एवं कागजातों की जाँच के बाद उन्हें सीएम जनता दरबार के लिए रवाना कर दिया, जहाँ फरियादी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या रखेंगे। भागलपुर में आई तेज आंधी बारिश में शहर के अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए, जिससे कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर आई है। वहीं तिलकामांझी थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल के समीप पेड़ के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल शनिवार की शाम भागलपुर में तेज आंधी और बारिश के बाद कई जगह पेड़ गिर गए। इस दौरान 0 माइल से तिलकामांझी की ओर जा रहे स्कूटी और बाइक सवार जोमैटो बॉय एवं महिला पर अचानक पेड़ गिर गया, जहां हादसे में एक स्कूटी सवार शख्स की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पहुंची तिलकामांझी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। फिलहाल मृतक युवक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। बता दें कि इससे पूर्व भी भागलपुर में पेड़ गिरने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना महामारी में पाबंदी के बाद सऊदी सरकार ने इस साल विदेशी लोगों की भी हज यात्रा की परमिशन दी है, जिसके बाद दुनिया भर से हज यात्री सऊदी पहुंचने लगे हैं। भारत से ही फ्लाइट्स उड़ने लगी है। वहीं हज यात्रियों को लोग फूल माला पहनाकर मुकद्दस स्थान के लिए रवाना कर रहे हैं। साथ ही हज यात्रियों से लोग खास दुआ करने और पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब के दरबार में सलाम पेश करने की दरख्वास्त भी करती नजर आ रही है। गौरतलब है कि हज यात्रियों के फ्लाइट कोलकाता से 23 जून को जद्दा के लिए उड़ान भरेगा। भागलपुर से भी दर्जनों लोग इस बार हज के लिए रवाना हुए हैं। इसी कड़ी में हुसैनपुर के इमाम कामिल रजा जमालपुर हावड़ा ट्रेन से शुक्रवार को कोलकाता के लिए रवाना हुए। वहीं इमाम को स्टेशन छोड़ने के लिए मोहल्ले के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर वार्ड नंबर 44 के समाजसेवी वसीम खान, रिजवान खान, हुसैन फारूक शमसाद समेत कई लोग मौजूद थे। इधर हज यात्रियों को ट्रेन रद्द होने से परेशानी ना हो, इसके लिए शनिवार जनचेतना एवं सद्भावना मंच के बैनर तले एक शिष्टमंडल जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिला। शिष्टमंडल ने डीएम से हज यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। वहीं जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को बस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही भरोसा दिलाया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से सभी प्रकार की सहायता हज यात्रियों को दी जाएगी। जनचेतना मंच के जिला संयोजक मोहम्मद मंजर आलम ने बताया कि डीएम ने हज यात्रियों को बस की सुविधा मुहैया करा दी है। मौलाना साहिद हलीमी कासमी ने बताया कि बस रविवार को रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए रवाना होगी। शिष्टमंडल में हज कार्यकर्ता हाजी उमर फारूक, सैयद इकबाल रूमी, कामरान खुर्शीद शामिल थे। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज
मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। भागलपुर के आदमपुर स्थित कालीबाड़ी में रविवार को वी केयर संस्था के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेकर रक्तदान किया। वहीं इसको लेकर संस्था के नितेश चौबे ने कहा कि कोरोना काल में खून की काफी कमी देखी गई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए नियमित अंतराल पर संस्था के द्वारा कैंप लगाकर इच्छुक लोगों द्वारा रक्तदान करवाया जा रहा है, जिससे जिले में रक्त की कमी ना हो और जरूरतमंद को समय पर रक्त मिल सके और मरीजों की जान बचाई जा सके। वहीं युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने संस्था द्वारा आयोजित मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचकर रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में ब्लड की काफी कमी देखी गई थी, इसलिए समाज के जागरूक लोगों को आगे आकर रक्तदान करने की जरूरत है। साथ ही संस्था के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि जिले में रक्त की कमी ना हो और जरूरतमंदों को समय पर रक्त मिले, इसके लिए वी केयर संस्था बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। पर गौतम चौबे, कुश मिश्रा, अंकुर सिन्हा समेत कई लोग उपस्थित थे। आज हमारी संस्था के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है कालीबाड़ी माननीय सरकार में, और आपको पता होगा कि हमारी संस्था वी केयर जो कि भागलपुर में सबसे ज़्यादा रक्तदान कराती है प्रत्येक वर्ष पिछले दो सालों से लगातार, हमें बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ इस वर्ष भी, और इस वर्ष से हमारा टारगेट है कि हम लोग भागलपुर में सबसे बड़ा एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है कि लगभग हम लोग 200 से 250 लोगों से रक्तदान कर रहे हैं। अभी जो हमारा पिछला बिहार मनाली समाधि के द्वारा एक दिवसीय रक्तदान शिविर में 187 यूनिट रक्त एकत्रित कराया गया है, और हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग उस रिकॉर्ड को हम लोग बीट करके हम लोग नया रिकॉर्ड बनाए शहर में। जी, यहाँ पे जो बी केयर की तरफ से एक महा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, और ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि ये लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा। और युवाओं को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये ब्लड जो दिया जाता है, एक रक्तदान महादान, एक जीवन जो है बचता है आदमी का, किसी को ब्लड देने से उसकी जो जीवन बचती है वो एक बहुत ही अच्छा, मतलब समझिए कि समाज में अच्छा बेहतर संदेश जाता है। इस तरह का प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि ब्लड डोनेट करने के, ब्लड डोनेट करने से किसी भी तरह का कोई कमजोरी या किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं होता है। भागलपुर कचरैली थाना क्षेत्र के विशन रामपुर तिवारी टोला निवासी 21 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार की मौत मामले में मृतक की मां ने अमरपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 5 जून को पड़ोसी सितावी दास के साथ मेरा पुत्र शादी का कार्ड बांटने बांका गया था, इस दौरान अमरपुर इंग्लिश मोड़ के समीप हादसा हो गया जिसमें धर्मेंद्र की मौत हो गई, जिसके बाद पड़ोसी सितावी दास उसे अस्पताल पहुँचा कर फरार हो गया। मृतक की माँ रेखा देवी ने सितावी दास पर पुत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौत के 6 घंटे बाद सूचना मिली कि धर्मेंद्र की मौत हो गई है, जिसमें अमरपुर थाने की लापरवाही नजर आ रही है। मौत के 10 दिन बीत जाने के बाद भी अमरपुर थाना प्रभारी ने FIR नहीं किया है, जबकि माइग्रेन अस्पताल से भी रिपोर्ट भेज दिया गया है। बोला चलिए ना, हमको दस्तखत करने नहीं आता है, आप दस्तखत कर दीजिए, ले जाओ हमको बेटा कुमार को फेंक दिया। जब देखा उसको दम टूट गया, तब उनको मयागंज में वो कोई अगल बगल में बोला कि उसको बेटा है ना एक्सीडेंट हो गया है, मार दिया है। तब बोला कि हम गए थे कमाने लिए, हम झूठ काहे बोलेंगे, 8 बजे रात को आए थे। बोला कि तुमको बेटा तो हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल में भी लेट हैं, घटना हुआ था हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से जाकर इको ये थाना प्रभारी ने कर दिया, फिर हॉस्पिटल में वहाँ से लखा ले गया। अच्छा। वहाँ चीर फाड़ हम अपना गोदी से भरी पोजा लेको भीतर ढूके, और भीतर से फिर ऊपर चढ़ाए जो चीर फाड़ होता है, वहाँ चीर फाड़ को करवा दिया, फिर बाहर करवा दिया अपना।
भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद का जल मीनार जर्जर होने के कारण टूट कर गिर रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग इस बात से आशंकित है कि कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। वहीं जल मीनार में कार्यरत लालमुनि यादव ने बताया कि 17 जून को दिन के 10 बजे जल मीनार का चट्टान गिरने से वहां मौजूद लोग बाल बाल बच गए, जिसकी जानकारी नगर परिषद के कर्मचारियों को देने के बाद फिर जल मीनार की मरम्मत कराने कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे। फिलहाल इलाके के लोगों में भय का माहौल बना हुआ आज तो नहीं हुआ है, कल 10 बजे छज्जा जो ऊपर वाला वही गिरा पूरा टूट के डेली गिर रहा है। डेली नहीं, कल बहुत दिन के बाद गिरा है, 15-20 दिन के बाद ही गिरा थे। कितना बड़ा चट्टान गिरा? चट्टान तो देखे रहे, छिड़िया हुआ। तो क्या लगता है कि टंकी गिरने वाला क्या? टैंकी तो उम्मीद नहीं है गिरने का भी, लेकिन चारों बगल का छज्जा जो है ना सब झरझरा के देखिए फट रहा है।